मैं एमएम पटेल इस सेशन में आपका स्वागत करता हूं। टू कीप योर ब्रेन फिट एंड एक्टिव लॉजिकली सॉल्व वन पजल एवरी डे। 5 मिनट से 10 मिनट तक का वक्त लगेगा, तो चलिए देखते हैं आज की पजल। आज की पजल में भी दो पार्ट हैं, पिछली पजल में भी दो पार्ट थे। ए से लेकर के आई तक के लेटर्स आपको दिए हैं, ए बी सी प्लस डी ई एफ प्लस जी एच आई इक्वल्स टू एक्स वाई जेड। अब आपने ए से लेकर के आई तक के लेटर्स के 1 से लेकर के 9 तक के डिजिट यूज करके वैल्यूज डिसाइड करने हैं। सारे डिजिट यूज करने हैं, 2 लेटर्स का इक्वल वैल्यू नहीं हो सकता। अब वैल्यूज किस तरह से रखने हैं? वैल्यूज इस तरह से रखने हैं कि एक्स वाई जेड सबसे छोटा टोटल हो, लेकिन एक्स वाई जेड साथ ही साथ 5 से डिविजिबल भी हो। यहां पर मैं आपको बता दूं, पिछली 3 पजल्स 73, 74 और 75 आपने रिफर करनी चाहिए, यदि आपने ऑलरेडी सॉल्व नहीं की है तो। स्मॉलेस्ट टोटल कैसे मिलेगा? ADG should be equal to 123, BEH should be equal to 456 and CFI should be equal to 789. सबसे छोटा टोटल मिलता है 774. अब 774 9 से डिविजिबल है, कंपल्सरली कोई भी टोटल आएगा उसे 9 से डिविजिबल होना ही पड़ेगा, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन 774 5 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए हमें सबसे छोटा टोटल ऐसा ढूंढना होगा जो 9 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो। 774 9 से डिविजिबल है, 5 की डिविजिबिलिटी के लिए 774 में हम 9 जोड़ें, डिविजिबिलिटी चेक करें, यदि डिविजिबल संख्या मिल जाए 5 से तो आंसर मिल गया, नहीं तो सक्सेसिवली हम 9 तब तक ऐड करें जब तक हमें 5 से डिविजिबल संख्या नहीं मिले। 774 प्लस 9 इक्वल्स टू 783, 5 से डिविजिबल नहीं है। 783 प्लस 9 इक्वल्स टू 792, ये संख्या भी 5 से डिविजिबल नहीं है। 792 प्लस 9 इक्वल्स टू 801, ये भी 5 से डिविजिबल नहीं है। 801 प्लस 9 इक्वल्स टू 810, 810 5 से डिविजिबल है, इसलिए दिए गए कंडीशन में सबसे छोटा टोटल हम हासिल कर सकते हैं जो 5 से डिविजिबल है वो होगा 810। अब 810 टोटल लाने के कितने बेसिक कॉम्बिनेशंस हैं उसको देखते हैं। मैं फिर से रिपीट करूं, प्रीवियस पजल्स आपने फिर से देखनी चाहिए। 810 का टोटल लाने के लिए हमें C प्लस F प्लस I का मूल्य निकालना पड़ेगा, B प्लस E प्लस H का मूल्य निकालना पड़ेगा और A प्लस D प्लस G का मूल्य निकालना पड़ेगा। 4 पॉसिबिलिटीज हैं, C प्लस F प्लस I, B प्लस E प्लस H और A प्लस D प्लस G की। A से लेकर के I तक जो भी डिजिट्स हम बैठाएंगे, 1 से लेकर के 9 तक, उसका सम निकालते हैं। पॉसिबिलिटी 1 27, 2 36, 3 36 एंड 4 45। इसका अर्थ है चौथी पॉसिबिलिटी संभव है। C प्लस F प्लस I का मूल्य होगा 20, B प्लस E प्लस H का मूल्य होगा 19 और A प्लस D प्लस G का मूल्य होगा 6। अब हमें कॉम्बिनेशंस ढूंढने हैं, पिछली पजल में ढूंढ चुके हैं, यहां पर हम डिटेल्स में डिस्कस नहीं करते हैं। सबसे पहले 6 का कॉम्बिनेशन निकालते हैं, इसका कारण हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको याद रखने की जरूरत है। कारण यह था कि 6 का कॉम्बिनेशन इज यूनिक, 6 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 3। इसका अर्थ है 19 और 20 के कॉम्बिनेशंस बनाने के लिए हमें 1, 2 और 3 को कंसीडर नहीं करना चाहिए। 19 और 20 के 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मिलते हैं, 19 इक्वल्स टू 4 प्लस 6 प्लस 9, 4 प्लस 7 प्लस 8 एंड 5 प्लस 6 प्लस 8, 20 इक्वल्स टू 4 प्लस 7 प्लस 9, 5 प्लस 6 प्लस 9 एंड 5 प्लस 7 प्लस 8। इनको यूज करके ADG, BEH और CFI के हम मूल्य डिसाइड कर सकते हैं, 3 पॉसिबिलिटीज आती हैं।
1, 2, 3, 4, 6, 9, and 5, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 7, 8, and 5, 6, 9. 1, 2, 3, 5, 6, 8, and 4, 7, 9. ए टू आई के मूल्य तीनों पॉसिबिलिटीज के बैठा है, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसका अर्थ है तीन पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। एक कॉलम में जो भी डिजिट्स आपने लिखे हैं उनको आप इंटरचेंज कर सकते हैं, ये क्लियर है, और उससे टोटल में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम देखते हैं पार्ट टू। पार्ट टू सिमिलर है, ए टू आई के मूल्य इस तरह से रखने हैं कि जो टोटल आए एक्स वाई जेड शुड बी डिविजिबल बाई 7। सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। सबसे छोटी संख्या होगी 774, एडीजी 123, बीईएच 456 और सीएफआई 789। सबसे छोटा टोटल 774। 774 9 से डिविजिबल है, कंपल्सरली होना पड़ेगा, लेकिन 7 से डिविजिबल नहीं है। सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। 774 में 9 सक्सेसिवली ऐड करते जाएंगे तब तक जब तक हमें 7 से डिविजिबल संख्या नहीं मिले। शुरू करते हैं। 774 प्लस 9 इक्वल्स टू 783, 7 से डिविजिबल नहीं है। 783 प्लस 9 इक्वल्स टू 792, अगेन 7 से डिविजिबल नहीं है। 792 प्लस 9 इक्वल्स टू 801, अगेन 7 से डिविजिबल नहीं है। 801 प्लस 9 इक्वल्स टू 810, अगेन 7 से डिविजिबल नहीं है। और फाइनली 810 प्लस 9 इक्वल्स टू 819, 819 7 से डिविजिबल है। इसलिए 1 से लेकर के 9 तक के डिजिट्स को दिए गए कंडीशंस में दिए गए तरीके में रख करके हम सबसे छोटा टोटल जो 7 से डिविजिबल है हासिल कर सकते हैं, और वो टोटल होगा 819। अब 819 टोटल लाने की बेसिक पॉसिबिलिटीज कितनी होगी मैं आप पर छोड़ देता हूं, क्योंकि ये प्रोसेस हम अभी तक बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। हर पजल में इसी तरह नई नई बातें सीखते सिखाते हम आगे बढ़ेंगे। अगली पजल में आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।